तो यहाँ पे गाइस मैंने एक चीज़ पाया था जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, क्योंकि अगर कोई बोला कि ये मेरा चीज़ है, कोई कीमती चीज़ है, पहले से भागता हूँ, वरना तो कोई देख लेगा तो बोलेगा कि मेरा मेरा है। लुक एट दिस गाइस, देख सकते कितना मस्त दिख रहा है गाइस, ये देखिए। तो गाइस अब जो वॉइस आ रहा है वो आ रहा है बोया बाय M1 Max से। अगर गाइस आप ये बड़ा वाला मैक नहीं मंगा पा रहे, इतना महंगा मैक नहीं मंगा पा रहे हैं, तो डोंट वरी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग्स एंड अनदर वीडियो। तो गाइस मेरा फाइनली एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, मतलब मैंने पिछले ब्लॉग में कहा था कि मैं एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद फिर एक्सप्लोर कराऊंगा कांके को। तो फाइनली गाइस मेरा आज हो चुका है ख़त्म एग्ज़ाम, मेरा फाइनली एक पार्सल आ चुका है जो मैंने कुछ दिन पहले ऑर्डर किया था, जो फाइनली गाइस आज आ चुका है। तो वह मैं दिखाने के लिए थोड़ा सा अपने प्यारे से ग्राउंड में आ चुका हूँ, तो यही मैं आपको दिखाऊंगा अपना प्यारा सा जो पार्सल आ चुका है। वो पार्सल गेस कीजिए क्या हो सकता है, बट मैंने तो थंबनेल में लगा ही दिया होगा, ब्लॉगिंग से ही रिलेटेड है, तो वो आ चुका है। तो मैं अपने प्यारे से ग्राउंड में ही आपको दिखाऊंगा कि मेरा कौन सा पार्सल है, क्या पार्सल है, और मैं किस टाइप का यूज करूंगा, मतलब क्या क्या है, मतलब हर एक चीज़ आपको अच्छे से डिटेल बताऊंगा और उसका रिव्यू दूंगा। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा कितना बड़ा पार्सल है। 1 मिनट, मैं अपने बैग में लेके आया हूं, शाहरुख खान मुझे दिया था, कहीं पे से अच्छा सा रखता हूँ, स्टेबलाइज करता हूँ अपना फ़ोन को, उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर पार्सल है। ये रहा मेरा बायजूस का बैग। तो फाइनली गाइस ये है हमारा पार्सल। तो गैस बिना देरी के मैं आपको दिखाई देता हूँ या फिर बता ही देता हूँ कि ये क्या है, इसके अंदर इसे यूज़ भी करता हूँ, इसके मतलब रिव्यू देता हूँ अच्छे से। फाइनली गैस अब वक्त आ चुका है अपना जो पार्सल उसे अनबॉक्स करने का। ये देख सकते हैं ये मेरा पार्सल है, कितना बड़ा पार्सल, वो देखिए, जिसे हैप्पी बर्थडे करता हूँ। तो ये रहा, यस, कितना बड़ा बॉक्स है, तो आप गैस करिए क्या हो सकता है। तो फाइनली गाइस अब अनबॉक्स होने वाला है। तो गाइस अब आने वाला है, दिल थाम के बैठिए। तो ये है गाइस हमारा प्यारा सा माइक, जो कि मैंने अपने पैसे से ही मंगाया, मैंने पापा से नहीं मांगा या फिर मम्मी से नहीं मांगा, मैंने जमा किया था पैसा, उसी से मैंने अपने मेहनत के दम पे ये माइक मंगाया, यूट्यूब मनी नहीं है गाइस। तो ये देखिए हमारा प्यारा सा माइक, बोया बाय M1 माइक। तो गाइस मैंने इस वजह से मंगाया क्योंकि देखिए जो लोकल वाला मैंने माइक मंगाया था या फिर 200 का था, ये 200 या 300 का था, तो ये एकदम छोटा सा, देखिए एकदम थोड़ा सा, बस कितना 1 मीटर का साइज डिस्टेंस देता है, एकदम थोड़ा सा, एक हाथ का। तो गाइस मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था ब्लॉगिंग करने की वजह से, मतलब थोड़ा सा कैसे कर रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत हो रहा था, और क्वालिटी भी अच्छा नहीं आ रहा था, नॉइस कैंसिलेशन भी थोड़ा अच्छा से नहीं हो पा रहा था, इस वजह से मैंने इसे मंगाया। तो गाइस मैंने इसे 1 सप्ताह पहले ही ऑर्डर कर दिया था, तो आज फाइनली आ चुका है, तो इसे अच्छा से इसका रिव्यू देता हूँ, और मुझे कितना प्राइस में मिला वो भी आपको बताऊँगा। सस्ता ही मिला है इतना पहले बता देता हूँ, तो इससे पहले अच्छे से अनबॉक्स करता हूँ। तो गाइस मैं इसे अनबॉक्स करने से पहले इसका थोड़ा सिनेमैटिक शॉट देना चाहता हूँ आपको, तो पहले सिनेमैटिक शॉट एंजॉय कीजिए। तो गाइस अब आप सिनेमेटिक शॉट थोड़ा सा एंजॉय कर चुके हैं, अब इसको थोड़ा अच्छे से मतलब आपको रिव्यू देता हूँ इसका, कि मतलब मुझे कितने मिला और क्या क्या इसका फैसिलिटी है। मैं फर्स्ट टाइम अनबॉक्स कर रहा हूँ कोई चीज़, मतलब ऐसा मतलब इक्विपमेंट अपने लिए, जिसे अनबॉक्स करता हूँ गाइस। देख पा रहे गाइस मुझे अनबॉक्स करते हुए मुझे ये थोड़ा सा थैली मिल चुका है, मैं इससे पहले देखता हूँ इसके अंदर क्या है। तो गाइस इसके अंदर है ये बोया का, देखिए ये बोया का मैक ये दिखा दे रहा है, ये बोया का स्टिकर है, और ये थोड़ा सा कागजात कि मुझे इसे किस टाइप का ऑन करना है या ऑफ़ करना है। तो गाइस जी मेरे कोई काम का नहीं है, फालतू आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं इसका। तो ये क्या क्या मतलब फालतू चीज़ है, कोई मतलब नहीं, सब फालतू फेंको, स्टिकर फेंको, सेट करो ये सबको। तो गाइस मेन चीज़ हम लोग का यहाँ ये थैली पे है, तो मैं इसे अच्छा से आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले गाइस लुक एट दिस गाइस, देख सकते कितना मस्त दिख रहा है गाइस, ये देखिए।
वो है कितना वेट भी है, कितना लंबा तार, देखिए वायर देखिए कितना लंबा है इसका वायर, काफ़ी मस्त दिख रहा है। और ये इसका मेन पॉइंट जिसमें मतलब बोला जाता है ये वाला मैक। और ये इसका ये बताया देखिए दो चीज़ का, ये है वो कैमरा के लिए एक होता है यहाँ पे बटन, तो ये कैमरा के लिए और एक होता है फ़ोन के लिए, स्मार्टफोन के लिए। सो गाइस आपको कोई एक बात पता होगा या फिर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि इसमें से 80 यूट्यूब में 80 से 90% यूट्यूबर लोग इसी मैक का यूज़ करते हैं, बोया बाय M1 मैक। तो गैस अभी ये आ रहा है सस्ता मैक का, 200 रुपये वाला मैक का भी वही सारा, कैसा वही सारा आप देख सकते हैं। नॉइस थोड़ा थोड़ा आता होगा, उतना कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखिए डायरेक्ट न्यू वाला का। तो गैस अब जो वॉइस आ रहा है वो आ रहा है बोया बाय M1 मैक से। तो मैं इसे थोड़ा सा पहले सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे अच्छे से बताता हूँ। तो ये इससे पहले ये मिला है क्लिप जो इसे यहाँ पे लगाया जाता है, अच्छे से पुट कर दूँ। ये है गैस नॉइस कैंसिलेशन के लिए, यहाँ पे लगा देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे कॉलर पे लगा लेता हूँ। और गैस मुझे तो नहीं पता कि कैसा मतलब वॉइस आ रहा, तो आप गैस मतलब आप बताइए कि अच्छा वॉइस आ रहा है कि नहीं इसके अकॉर्डिंग। मतलब ये तो पुराना वाला मैक था, वही दिखाता हूँ। देखिए 200 रुपये वाला गैस मैक है, मतलब जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो ये मैंने मंगाया था 200 रुपये का। देखिए ये भी एकदम नॉर्मल सेम ही है, लेकिन ये एकदम छोटा सा देखिए गैस, एक हाथ का बल। इसमें मैं थोड़ा सा अच्छे से नहीं हो पा रहा था ब्लॉगिंग, और पहला बात मुझे थोड़ा ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाना, इस वजह से मैंने इसे मंगा लिया बोया का। और इसमें देखता हूँ क्या क्या दिया। ये है एक पाउच दिया है जिसमें हम आराम से मैक को रख सकता हूँ। और ये देखिए गाइस इसका एक मोड में है, दो मोड में है, एक स्मार्टफोन और एक कैमरा। तो कैमरा तो मेरे पास नहीं है गाइस, तो ये मेरा काम का नहीं होगा, तो साइड में रख देता हूँ। और उसके बाद बॉक्स में कुछ तो और नहीं है, आगे काफ़ी लंबा वायर देखिए गाइस कितना लंबा है, बहुत लंबा। और इसके अंदर मुझे एक मतलब इसके अंदर मुझे डालने के लिए मिल जाता है एक बैटरी, ये खुलता है गाइस। और अभी जो वॉइस आ रहा है वो बोया से ही आ रहा है, बोया वन ये मैक्स जो अभी मैं लिया हूँ वो वाला से। तो ये बैटरी है, इसमें अंदर डाल सकते हो, यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन मुझे तो डालना नहीं है क्योंकि कैमरा मुझे यूज़ नहीं करना है, तो मैं इसे नहीं डालूँगा। पुराने वाले मैक में देखिए, पुराने वाले मैक में कुछ नहीं था, बस वायर था और ये था। बाकी ये बड़े वाले मैक में देखिए ये इतना बड़ा, ये उसके बाद ये वायर देखिए कितना लंबा है, तो ये कमाल का बहुत काफ़ी मस्त है। ये पॉच दिया हो क्योंकि बार बार देखिए बॉक्स में यहाँ डालो फिर निकालो वो थोड़ा दिक्कत होगा, बट ये है कि पॉच में डालो लॉक कर दो और कहीं लेकर चले जाओ। तो गैस मैंने इस वजह से क्या बोलते हैं मैक लिया ये वाला, क्योंकि मुझे कांके को अच्छे से एक्सप्लोर कराना है इस वजह से। और उसमें तो अच्छे से मतलब वॉइस नहीं आ पाता, नॉइस कैंसिलेशन नहीं हो पाता इस वजह से। और ये गैस ये देखिए ये कैमरा के लिए है, जो कि कैमरा में अंदर डालेंगे और उसके बाद इसके अंदर फिर ये माइक वाला। मुझे कितना प्राइस पड़ा और मैं मतलब कहाँ से ऑर्डर किया, अमेज़ोन से ऑर्डर किया हूँ, इतना बता दे रहा अमेज़ोन से। और मैं इसका प्राइस बताता हूँ, बाकी काफ़ी सस्ता है गैस, आप ले भी सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर ले सकते हैं आप। सो गैस मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो चुका है ये कि पहले देखिए मेरे पास छोटा मैक था, तो उससे मतलब क्या बोलते हैं एकदम आराम से हो जाता था, लेकिन देखिए अब ये बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा वायर हो चुका है कि मुझे अब समझ में आ रहा है कि मुझे रखूँ कहाँ, उसके बाद कैसे ब्लॉगिंग करूँ, इतना ही टांग लू गला पे। बट कोई नहीं, इसका थोड़ा सा उपाय लगाता हूँ कैसे करना है, उसके बाद आपको बताता हूँ उसका प्राइस 1 मिनट का। लेकिन सच्ची बता रहा हूँ, अगर प्राइस सस्ता है, इतना सस्ता है ना कि आप भी लेना चाहूँगे। तो चलिए गाइस फाइनली मैंने अच्छा से सेटअप कर लिया हूँ, देखिए पॉकेट में डाली हूँ, जैसे आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो आना चाहते हैं बच्चे लोग, तो यहाँ पे 2-4 लोग बच्चे लोग आए हैं, मतलब ये लोग पूछ रहे कि गेमिंग करते हैं आप, तो मैं बोला नहीं मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। तो एक बच्चा बोल रहा है कि अबू देख लेंगे तो बोलेंगे मारेंगे हमको, है ना सर, मारा बहुत। तो यहाँ से मैं उतरता हूँ, उसके बाद उधर चल के बताता हूँ आपको मतलब प्राइस क्या है, 1 मिनट। तो चलिए गैस मैं इसे खड़ा कर दिया अपना स्टूआर को, और अब मैं बताता हूँ कि मुझे कितना में ये मैक पड़ा। तो गैस ये मुझे मैक पड़ा है 700 में, मतलब है कि पहले ये मैक मतलब कितना 1000 तक पहुँच ही गया था, बट मुझे दिवाली ऑफर की वजह से 700 में ये मिल चुका है। तो डिस्क्रिप्शन में अगर मैं लिंक दे दे रहा हूँ, अगर आपको मंगाना चाहते हैं या फिर अगर यूट्यूब वीडियो बनाते हैं तो आप मंगा सकते हैं गैस, ये आप लेकिन सबसे बेस्ट मैक, क्योंकि कम देखिए सस्ता में सबसे बेस्ट मैक है। अगर गैस आप ये बड़ा वाला मैक नहीं मंगा पा रहे, इतना महंगा मैक नहीं मंगा पा रहे हैं, तो डोंट वरी गैस मैं हूँ आपके लिए। तो मैंने डिसाइड किया हूँ कि ये नहीं, जो मेरा पुराना वाला मैक था, जो 200 रुपये वाला मैक था, उसे मैं सेल कर देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए अभी बड़ा वाला मैक आ चुका है तो उसका कोई काम तो नहीं है, तो मैं उसे सेल करना चाहता हूँ। वो पुराना वाला मैक कितना 100 रुपये भी दे दूंगा गैस, अगर किसी को लेना है तो मैं उसको दे दूंगा। तो अच्छा हुआ गैस कि ये आज आ चुका है, क्योंकि उसके बाद कल से मैं रेगुलर ब्लॉगिंग करूंगा, कल का कुछ प्लान और है मेरा, तो मैं आपको बताऊंगा, पर कल दिखाऊंगा प्लान बताऊंगा क्या दिखाऊंगा। यहाँ पे गैस देख सकते ये बाहर एंट्री पॉइंट में बाहर निकलने का, यहाँ पे एक चीज़ मैं पाया हूँ वो बताऊँगा आगे चल के, क्योंकि यहाँ पे कोई अगर देख लेगा तो इस वजह से। तो यहाँ पे गैस मैंने एक चीज़ पाया था जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, क्योंकि अगर कोई बोला कि ये मेरा चीज़ है, कोई कीमती चीज़ है, तो आगे निकलता हूँ उसके बाद बताता हूँ। पर लेट हाँ, तो गैस
जल्दी से भागता हूँ, वरना तो कोई देख लेगा तो बोलेगा कि मेरा मेरा है, पर मैं नहीं दूंगा। मैंने जैसे वहाँ पर जाकर देखा तो ये पड़ा हुआ था, ये कागज़ सा कुछ है तो मुझे नहीं पता ये क्या है, बताइएगा आप लोग। ये पड़ा हुआ था तो मैं सोचा कीमती चीज़ होगा, ब्लू ब्लू है तो मुझे लगा ये कीमती चीज़ होगा, तो मैंने इसे रख लिया, तो मैंने चुपचाप पॉकेट में डाल लिया। तो गाइस मेरा वक्त हो चुका है घर निकलने का, क्योंकि शाम हो चुका है ना, थोड़ा सा ट्यूशन से भी पढ़ना है, तो इस वजह से मैं निकलता हूँ यहाँ से डायरेक्ट एस्टुआर लेकर घर। तो गाइस ये देख सकते हैं हमारे कॉलोनी का घर है, देखिए इधर भी घर, इधर भी घर, इधर हर जगह जगह पे घर आपको दिख ही जाएगा, जैसे रिटेल बॉडी का मतलब स्कूल स्कूल टाइप का है वो है। तो चलिए मैं घर चलता हूँ, आराम से थोड़ा स्टेशन जाता हूँ और रेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा थक गया हूँ इस वजह से, और उसके बाद ब्लॉग करता हूँ यहीं पर एंड, और मिलता हूँ कोई नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, मतलब नेक्स्ट क्या मतलब अभी बता ही चुका हूँ आपको कि एक्सपेरिमेंट वाला ब्लॉग में मिलता हूँ। तो चलिए ब्लॉग करता हूँ यहीं पर एंड और मिलता हूँ एक्सपेरिमेंट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।